नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल। ये है Redmi Note 8 Pro। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप किस तरह स्काई मैपिंग का यूज कर सकते हो अपने फोन में। जो फीचर है स्काई मैपिंग का वो अवेलेबल है अभी Redmi K20 और K20 Pro में। अभी ये फीचर आपको Note 8 Pro में भी मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने जो नोच है हाइड करके रखा है, आप नोच को अनहाइड भी कर सकते हो। तो हम देखेंगे कि आप किस तरह गैलरी में जाकर जो कोई भी फोटो है उसमें आप स्काई किस तरह चेंज कर सकते हो। जैसे अगर मैं गैलरी में जाता हूँ, मेरे पास जो फोटोज है जो मैंने स्काई स्काई को कैप्चर किया है जिस फोटो में मैंने, तो ऐसे अगर मैं पिक्स लेता हूँ, मान लो मुझे ये जो पिक है आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको स्काई दिखाई देगा, तो इस स्काई को अगर मुझे चेंज करना है तो मुझे एडिट में जाना पड़ेगा, इसके बाद फिल्टर में जाना पड़ेगा और यहाँ पे स्काई का ऑप्शन होगा। अगर आप पहली बार यूज कर रहे हो स्काई, तो उसके लिए आपको 22 MB का डाउनलोड करना पड़ेगा पैकेज, और इसके बाद स्काई पे जाके आप यहाँ पे देख सकते हो आपको कुछ 7 इफेक्ट्स मिलेंगे। तो आप 7 इफेक्ट्स को अपने स्काई को चेंज कर सकते हो इन 7 इफेक्ट्स का यूज करके। जैसे अगर मैं सनी करता हूँ, तो आप देख सकते हो जो फोटो है जो स्काई हो चेंज हो चुका है और सराउंड भी चेंज हो चुका है उसके हिसाब से। तो ये सनी है। इसके बाद हम देखेंगे क्लाउडी, तो आप देख सकते हो क्लाउडी में ऐसा दिखाई देगा आपका फोटो। इसके बाद आपको मिल जाएगा रेनबो इफेक्ट, इसके बाद आपको मिल जाएगा ग्लो, इसके बाद आपको मिल जाएगा डस्क, और लास्ट में होता है सनसेट जो शाम होने वाली होती है। तो इस तरह आपको जो रियल टाइम मिलेगा, आपको मतलब लगेगा कि ये रियल हो रहा है और रियल आपकी फोटो लगेगी। तो ये काफी अच्छा फीचर है। तो जिस किसी फोटो में भी आपको लगता है कि आपने फोटो ली है स्काई के साथ, अगर आप उसे चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हो। जैसे ये मैंने स्काई के साथ फोटो ली है, मुझे एडिट करना है, फिल्टर में जाना है, स्काई में जाना है, और उसके बाद मैं सनी इफेक्ट दे सकता हूँ। आप देख सनी इफेक्ट के बाद क्लाउडी दे सकता हूँ, रेनबो इफेक्ट, ग्लो, डस्क और सनसेट। तो आप देख सकते हो जो सनसेट है, जो सूर्यास्त होता है, इस तरह उसका लुक होगा स्काई का। इसके साथ साथ जो जो सराउंड भी होगा वो भी चेंज हो जाएगा आपके फोटो में। तो फोटो काफी रियल लगेगी, लगेगी कि ये रियल में इस तरह ले ली है आपने। तो इस तरह आप स्काई मैपिंग का यूज करके अपने स्काई को, अपनी फोटो में जो स्काई होता है उसके मुताबिक आप अपने पूरी फोटो को चेंज कर सकते हो अच्छी तरह से। तो ये काफी अच्छा फीचर है। आपको गैलरी में स्काई मैपिंग का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, तो आप इस ऑप्शन को अच्छी तरह से अपने नोट 8 प्रो में यूज कर सकते हो। तो ये फीचर आपको अगर पसंद आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।